और नो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन, अनदर वीडियो, अनदर ड्रैग। तो आज गाइज हम लोग दो स्कूटी लाए हैं, एक है बिजली से चले वाली, एक है पेट्रोल से चले वाली। तो इन दोनों की ड्रैग करने वाले हैं। और ये दोनों स्कूटियां बहुत तेज़ी से बिक रही हैं। एथर का लखनऊ में शोरूम है, इसलिए पेलम पेल एथर बिक रही है। और एक्टिवा जानते हैं सबकी शान, होंडा सबसे आगे। तो एक्टिवा वर्सेज एथर दोनों ही मोस्ट डिमांडेड स्कूटर हैं। तो इन दोनों की हम हैं टच है तो मोस्ट डिमांडेड स्कूटर है। तो इसलिए मैंने सोचा एक बैटल चाहिए होती है, क्योंकि ये पेट्रोल से चलती है, ये पेट्रोल से चलती है, बिजली से चलती है। तो देखते क्या होता है। और हर एक चीज में, हर डिजाइन में, इसका जैसे मिरर का ये डिजाइन देखो, बहुत ही ज्यादा यूनिक सा बनाया गया है, बहुत ज्यादा स्टैंड देखिए। डुगाटी पहने गले फेल करे, फ्रेम साइड में, फ्रेम में फिट हो जाता है स्टैंड पूरा। यार वही देख रहा था, स्टैंड एकदम फ्रेम में ऐसे सेट हो जाता है, हर चीज एकदम परफेक्टली डिजाइन किया गया है यार इसको। इलेक्ट्रिक है ना, बाहर की चीज है ना, मजेदार तो होनी है भैया। सबसे तगड़ा है यार इसमें इंटरेस्टिंग का। चलो बहुत मोड लगी क्या है। सॉरी भैया, कैमरा चल रहा है ठीक। तो सूरज भैया बेहतर 450X और हम 6G चलाने जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। रुक जाइए, क्या ब्रेक है, मजेदार। चलिए शुरू करते हैं बैटल को। इनिशियल इतना अच्छा है वॉर्प मोड का कि सूरज भैया उड़ते हुए निकल गए और मैं देखो पकड़ पाता हूँ कि नहीं। इनिशियल देखो भाई, देख रहे हो इनिशियल क्या तगड़ा। और ये देखो ये कूल लाल होता जा रहा है जितना हम टॉप स्पीड जाएंगे। एक्टिवा पीछे हो गई है, देखते हैं। सूरज भैया तो बिल्कुल हवा को चीरते हुए रॉकेट बन गए हैं भाई। क्या इनिशियल है यार इस स्कूटी का, 80-82 पहुंच रहा हूं मैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर से क्या होता है देखते हैं, हम हरा पाते हैं कि नहीं सूरज भैया को। और सूरज भैया हारने के लिए तैयार। अट्ठासी 89 90 हम सूरज भैया के करीब पहुंच रहे हैं, करीब। हारते 91 आई थिंक ये इसकी टॉप स्पीड है। एंड अब एक्टिवा क्रॉस करेगी, ये देखो आ गए। अब ये मजा ले रहे हैं, इनिशियल में हमको पीछे कर नहीं पाए, अब ये मजा लेने आए। हारते तो हम तो आराम से जीते जा रहे हैं सूरज भैया से, कोई वही नहीं है, वो इलेक्ट्रिक है, ये पेट्रोल है, तो फर्क तो होगा ही। शहर के अंदर क्या कमाल करेगी ये स्कूटी। चलो आओ थोड़ा आगे स्लिप स्ट्रीमिंग करें, देखें भागेगी या नहीं भागेगी। नहीं भागेगी, मतलब ये इसकी टॉप स्पीड है, उसका इनिशियल अच्छा है काफी। थोड़ा सा धीरे कर देते हैं, सूरज भैया को आ जाने देते हैं। आ जाइए, आ जाइए, इससे आगे नहीं जाएगी ये। और सूरज भैया को हमने दिया मौका और सूरज भैया चढ़ के बैठ गए पीछे। और जीतने में सूरज भैया नाकाम रहे हैं, और मैंने कई बार मौका दिया भैया को, फिर भी नहीं जीत पाए। पर इसका जो इनिशियल है भाई, बहुत प्यारा इनिशियल है। इनिशियल इतना अच्छा है इसका, कुछ कहने को नहीं। इनिशियल इसका बहुत अच्छा है सूरज भैया, बिल्कुल रॉकेट। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, बहुत ही मज़ेदार बैटल रही है। सूरज भैया हार गए हैं एथर को लेके, और हम एक्टिवा 6G लेके जीत गए हैं। उसका इनिशियल काफ़ी अच्छा है, इसका टॉप एंड काफ़ी अच्छा है।
और वो 91 पे 92 पे लॉक है और ये 95 तक शायद टच कर रही है क्योंकि इसमें एनालॉग है तो पता नहीं चलता है, डिजिटल होता तो पता चलता। तो हम लोग राइडर स्विच करते हैं, राइडर स्विच करेंगे ना सुरेभिया, कह रहे राइडर स्विच करेंगे ना। देखते हैं सूरज भैया, आप कह रहे हैं शायद अंकित का लॉन्च खराब है तो हम देख लेते हैं कि, और रुक जाइए। हाँ और नो भगा यार, नहीं भगाओ भगा, ये देखो भैया निकली जा रही कैसे सतरा के एकदम। सूरज भैया तो पीछे ही हो गए बिल्कुल, वो अबे गजब है यार, ये तो देख रहा हूँ इतनी देर में पकड़ पाऊंगा मैं इसे। देखो इतना चलने के बाद अब पहुंचा हूं मैं इसके बगल में और अब इसको क्रॉस कर रहा हूं। तो इतना टाइम लग गया मुझे इसे क्रॉस करने में एंड अब तो क्रॉस हो ही गया है। ब्रेक तो इसमें केटीएम वाले लग रहे हैं, अबे उसमें ब्रेक है ही नहीं लगने की बात छोड़ो। अबे भाई एक नंबर है यार, मज़ेदार भाई। तो गाइस फाइनल विनर ही तो इलेक्ट्रिक स्कूटर नहीं है, एक्टिवा 6G है क्योंकि ये पेट्रोल है, ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है। इसका इनिशियल काफ़ी अच्छा है, इसका टॉप एंड अच्छा है। ये 91 और ये 95 के आसपास जाती है ना सूरज भैया, ये ड्रैग रेस विनर है। हाँ ये ड्रैग रेस विनर है, ये लॉन्ग रेस विनर नहीं है, ये लॉन्ग रेस विनर है। तो कैसी लगी आप लोगों को वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर ये ड्रैग रेस मज़ेदार हो तो शेयर जरूर करिएगा।